हेलो दोस्तों, मेरा यह सेटअप है और हमने यह सेटअप 2000 में तैयार किया है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड का कपड़ा देख रहे हैं, तो इससे हम इधर ये जो गांव में सुज्जा नहीं होता, जो पहले सुज्जा जैसे बीना करते थे, डलिया वलिया बीना करते थे, वो मेरा यह सुज्जा है। और इधर हमने ये कील लगा रखी है। और ये सिर्फ 75 रुपये का हमने मार्केट से हरा कपड़ा लाया था। इससे क्रोमा की अप्लाई करने में बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद में मुझे बैठना होता है, तो हम इस पट्टी पे ऐसे बैठ जाते हैं। और नीचे ये हम ये बिछा रखे हैं इसलिए क्योंकि इस पे जैसे कोई चीज़ रखना हुआ, जैसे ये मैक का मुझे कवर रखना हुआ और उसके बाद में निकाल के कभी कभी इसे नीचे रखना होता है। हम इसे निकाल इसलिए देते हैं क्योंकि पीछे ये जो दीवार है इसमें से मट्टी बहुत गिरती है। ये सब मट्टी छूट रही है ना, जैसे बोलते हैं लोना गई है, ये मट्टी बहुत छूटा करती है, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसे हम रोज़ सूट के करने के बाद निकाल लेते हैं और इसी पे सब चीज़ रख के और फिर हम इसके अंदर रख देते हैं। और ये मेरा स्टैंड है जो हमने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से। ये डिजीटेक का स्टैंड है, ट्राइपॉड, जो मुझे 1500 से 1600 रुपये में मिल गया था। ये काफ़ी हाइट लंबा है, इसके 4-5 फुट का लंबा है, जो मेरे बराबर है, इसलिए हमने इसे मंगाया था। एक हमने पहले छोटा मंगाया था, मेरे पास छोटा था, तो उसमें कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती थी कि मुझे कभी खड़े होके वीडियो बनाना पड़ता था, तो ये वो मेरे बराबर नहीं पहुंचता था, यहाँ तक रह जाता था। तो हमने उसे वापस कर दिया क्योंकि मेरा सर उससे ऊपर चला जाता था, तो मुझे ऐसे झुक के वीडियो बनाना पड़ता था, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया है। सिर्फ वो 200 रुपये महंगा है ये, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ये डिजीटेक का है, ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया था हमने। और इसके ऊपर की ये जो कसा है, ये अलग से मेरे एक दोस्त ने मुझे दे दिया था, वो भी यूट्यूबर है, तो उसने मुझे ये दे दिया था कि ये ले जाके तुम लगाओ। पहले एक ऐसे चिमटी वाला आया था, तो वो अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं था। एक ये हमने मैक मंगा लिया था। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, सर्दी जुकाम है, तो हो सकता है कि मैक उतना अच्छा से काम नहीं करता हो, लेकिन ये मैक अच्छा है, अमेजोन से मैंने मंगाया था। बोया M1 मैक है, जो बोया M1 मैक है ये। और बस इतना है, ये हमने पर्दा इसलिए लगा रखा है क्योंकि क्रोमा की अप्लाई करने में आसान हो जाता है। और जिस मोबाइल से अभी हम शूट कर रहे हैं, यही मोबाइल हम यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद में हम शूट करने में मुझे अब बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होता है। और कुछ भी वीडियो बनाना हो, टेक का बनाना हो या एंटरटेनमेंट का या कोई भी तरीके का वीडियो बनाना हो तो बना सकते हैं। और ये मेरा वीडियो, ये जो मेरा ट्राइपॉड है, ये स्पेशल हमने इसलिए लिया था क्योंकि मेरा एक और चैनल है डाउन टू फायर, तो उस पर मैं भी काम करता हूँ, तो उस पर शायद अभी 12 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उस पर 12 हज़ार से ज़्यादा इसमें प्रेजेंट टाइम पे सब्सक्राइबर, और रोज़ 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हवा हवाई कुछ नहीं, मतलब बता रहे हैं कि कुछ भी एक्सपीरियंस है इसलिए। और लाइट का व्यवस्था ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप थोड़ा इधर से बढ़ के आइए तो हम दिखा दें कि ये मेरा जो छत है वो टूटी हुई है, तो इधर से लाइट आ जाती है और जो दिन का प्रकाश होता है उधर से आ जाता है और इधर से थोड़ा बहुत आ जाता है, और बस यही सब है। और इसी प्रकार से हम शूट कर लेते हैं। और वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए, और कि बहुत ज़्यादा हाई फाई होना चाहिए, कि बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए। आपके अंदर नॉलेज क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, लोग उसे देखना चाहते हैं, कि आपका सेटअप देखने नहीं आते हैं कि आपने बहुत करोड़ों का सेटअप बना रखा है या बहुत हाई फाई रिच घराने से हैं तो आपको देखने के लिए आ जाएंगे। नहीं, अगर कोई अगर टेक का वीडियो है तो वो एजुकेशन और अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए आता है, तो अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आपको लोग देखेंगे, अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो इसी प्रकार से हम वीडियो शूट करते हैं और जो रियल होता है, जो एकदम सही होता है, हम उस वही बताते हैं। ये नहीं कि यहाँ का आन तान का फेंक दें और वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, क्रोमा में अपने इतने मोबाइल में यहाँ क्रोमा ऑन कर लो उसके बाद में अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लो, तो ये सब नहीं। मेरा ये चैनल अभी 8 दिन हो गया मोनोटाइज हुए, पिछले
2 तारीख 2 नवंबर को मेरा ये चैनल यही है मोनोटाइज के लिए अप्लाई किया था, और सिर्फ 5 घंटे में मेरा मोनोटाइज होके आ गया था। सुबह मैंने 9 बजे मोनोटाइज के लिए भेजा था और शाम को 5 बजे मोनोटाइज होके आ गया था। तो इसी प्रकार मतलब मुझे अच्छे से पता था कि कैसे हम काम करेंगे, तो वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है और उसके बाद में मोनोटाइज में परेशानी नहीं होगी। बस 5 घंटे में मेरा शाम तक मोनोटाइज हो गया, मेल आ गया। और मोनोटाइज होने के बाद रेवेन्यू पैसे कितने बने वो भी हम दिखा देंगे आपको, स्क्रीनशॉट लास्ट में लगा देंगे तो देख लेना। और बस इसी तरह रोज़ का रोज़ जो मोटिवेशन मिलता रहता है, वीडियो मेरा चला करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शांति है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं। और अलग बात वो है कि आपको सक्सेस मिले या ना मिले, वो तो अपनी अपनी कुछ किस्मत की बात होती है। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा ये चैनल मोनोटाइज हो गया और इसी तरह चलता रहता है। और ये जो जगह है आसपास की, ये जगह है इधर मेरी मम्मी शाम को खाना बनाती है यहाँ पे, तो इसे हम हटा देते हैं अभी। ये शाम को इधर से मिट्टी भी गिरने लगता है तो इसे हम हटा देते हैं, और क्योंकि ज़्यादा लंबा मतलब ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी लग जाती है ये देखिए, तो क्रोमा की अप्लाई होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसे शाम को मतलब शूट करने के बाद हटा लेते हैं, और ये माइक भी हम इसमें रख लेते हैं और इसे सब समेट के, और एक दूसरी जगह एक सेपरेट जगह है वहाँ पे हम रख देते हैं, और ये पट्टी पे इसे बैठ के और वीडियो बना के और फिर एडिट कर देते हैं। और एडिट हम कैन मास्टर से कहते हैं, तो एक भाई ने मुझे आज कमेंट किया था कि भाई एडिट करना बताइए वीडियो की कैसे एडिट होता है, तो आज ही इसी वीडियो को हम एडिट करके भी बता देंगे कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर बताया करते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, कुछ नया लाइए तो आपका वीडियो क्या नया करोगे भाई, सब लोग ऐसे ही काम करते हैं। बस ये है कि जो लोग जल्दी फेमस हो जाते हैं, जल्दी शो हो जाते हैं, उनका चेहरा मतलब फेमस होता है पहले से, उनको लोग जानते हैं इसलिए। बाकी आप क्या नया करोगे यार, मुझे तो नहीं लगता क्या नया करोगे। बस इसी तरह आप धीरे धीरे एक ना एक वीडियो बनाते रहिए, और 30 दिन में रोज़ अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं तो किसी ना किसी दिन आपका एक ना एक वीडियो वायरल हो जाएगा, उसी से 1,000 सब्सक्राइबर और उसी से 4,000 का घंटा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। और नया आप क्या करेंगे भाई, नया करने के लिए भी बहुत एक प्रकार से बोलना अवतार लेना पड़ेगा कि कुछ आप स्पेशल आपके अंदर है, ऊपर वाले ने आपके लिए भेजा है तो आप नया कुछ सोच के कर पाएंगे। बाकी सब लोग बोलते हैं नया करिए नया करिए नया करिए, नया क्या करोगे भाई, कुछ तो पता होना चाहिए। अच्छा सा एक थंबनेल बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, और नया क्या कर सकते हैं भाई, बस इतनी है। तो बस यही है मेरा छोटा सा सेटअप है, और ये स्टैंड लाइट इधर से मुझे मिल जाता है। बस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ चलिए हम एडिट करके बताते हैं क्रोमा की कैसे अप्लाई हो जाता है। कभी कभी बैकग्राउंड में क्या होता है कि जब हम एडिट करते हैं तो हरा हरा इधर साइड में आ जाता है, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड भी ग्रीन लगाइए बना के अपना, तो उसमें ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए हम एडिट करके बताते हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर टेक की वीडियो आएंगी, अगर यूट्यूब के बारे में आप जानना चाहते हैं कि यूट्यूबर कैसे बने, और बहुत जल्द मतलब सक्सेस मिल जाएगी, और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होता है वो हमने पूरा किया है, आप लोग भी पूरा कर सकते हैं। कोई अलग नहीं, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब लोग यहीं पे सीखते हैं यहीं पे कहते हैं, तो बस आप लोग भी कर सकते हैं। अगर हमने मोनोटाइज करा लिया तो आप लोग भी मोनोटाइज करा सकते हैं, चैनल कोई खास बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज दीपावली, आप दीपावली के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा सेटअप अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और यूट्यूबर के अगर यूट्यूब पे आप ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए जय हिंद, हैप्पी दीपावली।